हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज आप लोग के लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। तो आज एक नमकीन और एक मिठाई दोनों रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ हमने काठी रोल बनाने के लिए कढ़ाई में पहले तेल डाल और पनीर भुर्जी रोल या काठी रोल दोनों इसे बोल सकते हैं। और यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा और अदरक ग्रेट किया हुआ, और उनको पक जाने के बाद आलू, या तो आप आलू को क्रश करके डालें या ग्रेट करके डालें। और उसके बाद आलू के भून जाने के बाद हमने डाला है ग्रेट किया हुआ पनीर और आप इसमें अपने पसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद पनीर के पक जाने के बाद हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करते हैं, और टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक, और इन सब को मिक्स कर देते हैं और अच्छे से पका लेते हैं। जब तक इनमें से ऑयल जो मैंने डाला है उसको बाहर बस निकाल देना है। तो यहाँ देख सकते हैं पनीर भुर्जी तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा मुँह पर से अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास टमाटर हो तो आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और मनपसंद की सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पनीर भुर्जी हमारा तैयार है, अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 2 कप आटा, और आटे में थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक डालेंगे। और बाद जैसे आप आटा के लिए डो तैयार, रोटी के लिए डो तैयार करते हैं आटे का, वैसे बस डो तैयार करना है सॉफ्ट। तो यहाँ हमारा डो तैयार है, तो हम इसके पेड़े बनाकर इसको अच्छे से बेल लेते हैं। और ध्यान रहे कि रोटी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने रोटी को एक साइड पलट दिया है। अब इसके बाद हम इसमें बटर लगाकर दोनों साइड सेकेंगे। तो इसको बटर में ही सेकना है, ना कि कुकिंग ऑयल या घी में नहीं सेकना है, इसको बटर से ही सेकना है। तो हम बटर से दोनों साइड स्प्रेड करके इसको अच्छे से सेक लेते हैं। और गैस का फ्लेम जो है इसमें एकदम लो फ्लेम पर सेकना है रोटी को, ताकि रोटी में स्क्रैचेस नहीं आए और थोड़ा सा रोटी को क्रंची भी बनाना है। तो चलिए तो यहाँ हमने दोनों साइड बटर स्प्रेड कर दिया है और इसको उलट पलट करके अच्छे से सेक लेते हैं। बस रोटी का कच्चापन दून करना है, रोटी को टाइट नहीं करना है, रोटी एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं एक साइड अच्छे से सिक गई है, अब दोनों साइड सेक लेते हैं, रोटी फूल रही है। अभी रोटी तैयार है रोल बनाने के लिए। तो यहाँ हम प्लेट में इस रोटी को रखेंगे और ऊपर से थोड़ा सा हम टोमेटो केचप, चिली सॉस और सोया सॉस को मिक्स करके एक साथ इस पर स्प्रेड करेंगे। और उसके बाद जो हमने पनीर भुर्जी तैयार की थी उसको इस पर स्प्रेड करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ, एकदम आप देख सकते हैं एकदम पतले पतले प्याज कटे हुए हैं, और इसको इस तरह हम फोल्ड कर देंगे। और यहाँ हम टूथपिक लगाकर ऐसे कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारी काठी रोल या पनीर भुर्जी रोल, आप जो बुला सकते हैं बोल सकते हैं, तैयार है। अब हम चलते हैं मिठाई बनाने के लिए। तो मिठाई बनाने के लिए हम यहाँ कढ़ाई में घी डाला है 1 चम्मच और 2 बड़े चम्मच दूध डाला है, 4 चम्मच दूध डाला है। और इसको थोड़ा सा बॉयल होने देंगे और चलाते रहेंगे, ताकि घी दूध को फटने से, घी डालने से अक्सर दूध फट जाता है, तो हम चलाते रहेंगे तो दूध हमारा फटेगा नहीं। और थोड़ा सा दूध में बॉयल आ जाए तब आगे का प्रोसेस हम बताते हैं।
तो यहाँ दूध हमारा जल थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और बॉयल हो चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी की चाशनी, अगर आपके पास कोई मिठाई की चाशनी बची हो तो उसे भी आप ऐड कर सकते हो, और नहीं तो थोड़ी सी गाढ़ी वाली जो चाशनी होती है वो आप बना सकते हो। अगर आपको परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं चाशनी बता दूँगी। और यहाँ मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है ये, और ये ऐसा ना लगे कि फटा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको थोड़ा सा और गाढ़ा हमें बनाना है। तो यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे गाढ़ी हो रही। तो दोस्तों हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको, कैसी लगी मिठाई और काठी रोल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा जो बैटर है तैयार है मिठाई का। अब यहाँ हम थाली में ऑयल स्प्रेड कर लेते हैं अच्छे से, और इस मिक्सचर को हम इस प्लेट में स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, इसको फैला देंगे और यहाँ सेब डाल देंगे, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स कुछ गार्निश के लिए डाल रहे हैं ताकि देखने में खूबसूरत लगे और खाने में भी थोड़ा टेस्टी लगे। वैसे टेस्टी तो ये बहुत अच्छी मिठाई है, बाज़ार में आपको ऐसी मिठाई मिले चाहे नहीं मिले अपने घर में बना सकते हैं। और इसको इस तरह थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे काट के और थोड़ा और ठंडा होने दें। तो यहाँ मिठाई हमारी शेप ले चुकी है, चलिए यहाँ देख लीजिए हो गई हमारी बर्फी तैयार। तो दोस्तों कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब।